भाई लोग वेलकम बैक टू आवर चैनल केवल कार। तो आप लोगों में से किसी एक भाई ने कमेंट किया था जब हमने इग्निस की थोड़ी बुराई करी थी कि भाई तुम ड्राइवर खराब हो, तुम ट्रक ले लो। तो आज आप लोगों की डिमांड पे हम लेके आ गए हैं, हमने खरीद लिया वैसे अपने लिए ट्रक, तो हम आपको दिखाएंगे देखो ट्रक। और ये है टाटा, इस सेगमेंट में सबसे लीड करता है, लगभग 90% शेयर टाटा रखता है इसमें। इसको बोलते हैं छोटा हाथी, टाटा एस हाँ, जो भी है। ये देखो भाई, अच्छा हमारा ग्रीन कलर का नहीं, हमारा नॉन व्हाइट कलर, हम थोड़ा सीरियस आधे आदमी है, व्हाइट कलर की टाटा एस। तो भाई देख लो, आपने कहा ट्रक ले लो, तो आज हम आपके लिए ट्रक ले आए। वैसे हम इतने बड़े यूट्यूबर नहीं है कि बड़ा ट्रक लेके आए तुम्हारे लिए, एक लीटर से या फिर मिनी ट्रक तो ले ही लिया। हाँ, छोटा ट्रक, छोटा हाथी ले लिया भाई। यार थोड़ा मौसम थोड़ा खराब है, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। पहले वॉक अराउंड देख लीजिए, बड़े इसमें टायर बड़े छोटे आते हैं पर हैं हमारे इसके। ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा है 155 D12। हाँ, ये 155 D12 8PR। हाँ, ये जो भी ये है। और ये सेम साइज के टायर में सारे 12। अच्छा, इसके छोटे टायर का ना एक फायदा है, छोटे टायर इसका पिकअप जो तेज हो जाता है, हल्के से क्लच छोड़ो और CNG में क्या मस्त पिकअप देती है गाड़ी। और ये लो, बूट की तो बात ही मत करो, वैसे इसका बूट बोलते नहीं, इसका डाला बोलते। ये कमरा है, कमरा ये देखो भाई, ये थोड़ा देसी जुगाड़ है ताले का, बिना चाबी के अगर तुम्हें ताला लगाना। ये देखो भाई, पूरी गुफा हैरियर सफारी फॉर्च्यूनर भाई साहब, सब पे 8 फीट का है ये। और इसमें सब पहले भाई भाई पूरा लाइसेंस वाला को ये मत बोलना कि तुमने खामा का लंबा चौड़ा करा रखा। हाँ ठीक है भाई, हेलो भाई, तो बूट तो देख लिया। वैसे बूट खोलो, बूट खोलने के बाद बूट खोलना, पूरा खोलो। अरे दोबारा खोल दो तुम तो ऐसे। हाँ, ये थोड़ा हाई लेवल सिक्योरिटी सिस्टम है, कोई आम इंसान खोल नहीं पाता, बॉडी बिल्डर चाहिए इसके लिए। ये देखो भाई, ताला गिराते हुए बिना चाबी का ताला। ये देखो, ये हमारा बूट है, ये देखो कितना मजबूत स्टडी। ये चढ़ पूरा कमरा गद्दा लगा और यहाँ सोते हुए जाओ, है ना मेरा चीज। देखो अंदर जाके दिखाता हूँ। ओह यहाँ तो मतलब कोई इंसान सो के निकल जाए। ये देखो हमारा दिल्ली का डी टाउन वाला लौंडा। और आज ये है बर्थडे बॉय, सभी लोग इसको विश करो कमेंट में। अरे थोड़ा कूदने दो, आज इस हमारे लौंडे का बर्थडे है, हमारा चचेरा भाई है। नमस्कार, तो चलो भाई बंद करो वापस, थोड़ा जद्दोजहद करो बंद करने की। तगड़ा है ये। डिग्गी तो देख ली, डिग्गी आ रही है, मैं बार बार डिग्गी क्यों बोल रहा हूँ। ये थोड़ा गाड़ी का रिव्यू नहीं है, ट्रक का रिव्यू है। आजकल बड़े बड़े यूट्यूबर बस का रिव्यू कर रहे थे, हम सोचा हम ट्रक का कर देते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर एक्सपो में गए, वहाँ पे बस दिखा रहे थे, तो हम एक्सपो में तो नहीं जा पाए, पर हम यहाँ पे ट्रक दिखा रहे हैं। ये बाद में कवर अवर करवा रखे हैं इसको ऐसे। ये देखो, और यहाँ इसकी बैटरी वैटरी सिस्टम है कुछ। CNG कहाँ डलती है इसमें? CNG दिखाता हूँ, CNG टैंक, यहाँ से CNG फिल होती है। थोड़ा कीचड़ है, देखो कीचड़ कीचड़। ये देखो, ये देख रहे हो जुगाड़, एकदम बेहतरीन बेहतरीन लोग है, जुगाड़ नहीं है, जुगाड़ में दो ले करो उसे। ये देखो बेहतरीन लोग है, ये है CNG फिलिंग वाल्व, यहाँ से CNG भरता है। इसमें लगभग कैसे कितनी CNG आ जाती है? इसमें 10 किलो CNG आ जाती है, ज्यादा भी आ जाती है कभी कभी। चलो वो तो प्रेशर पर डिपेंड करता है, पर 10 किलो CNG। दो इसमें दो है ना, देखो नीचे दिखाओ, ये दो टैंक है इसके। और कितने CNG के? दो सिलेंडर है, दो सिलेंडर दिखेगा यहाँ से साइड से दिखेगा, यहाँ से व्यू नहीं आ रहा, यहाँ से साइड से दिखाओ, उस साइड आते हैं। एक ये है, एक गियर, और एक गियर, दो सिलेंडर हो गए भाई। तो 10 किलो गैस आती है, और कितने किलोमीटर चल जाती है? एक फुल टैंक में दोनों, मतलब अगर फुल सिलेंडर होगा 100+ चली जाती है। देखो इंटीरियर देखो भाई, टाटा ने ये नहीं बोला कि कुछ छुपाना है, सुंदरता दिखानी है, अरे पूरा नेचुरल दिखा दिया भाई साहब। ये देख लो, आर बार साहब देख लोगे, क्लच का तार कौन सा है, किस किस स्प्रिंग कहाँ आ रही है। और सबसे बेहतरीन चीज ये देखो ना, अब इसका MID फुल्ली डिजिटल। ये गियर बताता है, कौन ऐसे लोडिंग गाड़ी में गियर हीटिंग वगैरह फ्यूल वगैरह सब दिखाता है। अरे हॉर्न का सेल भाई, हॉर्न का देखो, ये देखो दबाने का हॉर्न बढ़िया है, और टाटा है खुले विचार वाले, सब कुछ खुला दिया है। इधर आओ, इधर एवरीथिंग खुला। अब टाटा ने कहा तुम लोग आलसी ना हो जाओ, तो इसलिए टाटा ने ये दिया है, क्या थोड़ी बॉडी बनाओ, बहुत टाइट है ये भी बड़ा बढ़िया है इनका। डोर इधर, ये देखो इधर, ये देखो इग्निस जैसा, ये डोर हैंडल का इग्निस से भी ऐसे होता है। इधर आओ, अब हम चलते हैं उस साइड, यहाँ पे कीचड़ हो रही है, कैसी जगह ले आए हैं ये हमारे चाचा भी थोड़े। आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, कीचड़ 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 कीचड़
क्या ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, पर गर्मियों में उतना ही बुरा हालत था उसमें। बैठ दे इसमें, ओहो बैठने के लिए भाई इसका यूज करना पड़ता है, ओहो बैठने के लिए दे रखा हुक, कितना बेहतरीन है। अगर इसमें कुछ चाबी आबी है जल्दी रखना है तो ये देखो, ये देखो इस गाड़ी में आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा कुछ रख सकते हो आप, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। कितना आउटपुट है इसका, 5 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट, 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर, मतलब की 12 लगभग। बढ़िया फोन चार्ज करो, यहाँ पे आपने म्यूजिक लॉक, ये लॉक है, अगर ऐसे ना कोई भी वैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ रखना है लॉक वाला सिस्टम है, ये चाबी से खुलता है ना, और यहाँ पे अपना सिस्टम लगवा सकते, कोई भी टूट इन म्यूजिक सिस्टम लगवा लो और मजे लो। ये देखो कुछ यहाँ रखना हो थोड़ा बहुत सामान तो उधर बंद कर दो, और ये फर्स्ट एड कंपलसरी है। नमन भाई जी अंदर आ जाओ, क्यों खड़े हो, आ जाओ आ जाओ, ये कंपलसरी है, फर्स्ट एड रखना ही रखना पड़ेगा, नहीं तो चलान हो जाता है इसमें। फर्स्ट एड इसलिए रखा हुआ है, ये चार्जिंग चार्जिंग, एक बात बताओ मेरे को, चलो ये तो इसमें बैठ तो ना ग्रैब हैंडल दिया है आपने, चलो बैठने के लिए, पर ये क्यों दिया है, यहाँ तो पीछे कुछ दिखता ही नहीं है। ये वैसा है ना जब फ्लैट डाला आता है जब बाद में बनवाना पड़ता है ना। अच्छा इसका पीछे का स्ट्रक्चर पूरा बनाया है, और ये रही आपकी रीडिंग लाइट, रीडिंग लैंप जो भी बोलते हैं, हैलोजन भी जो भी है, एक सन वाइजर मिल गया आपको यहाँ पे, ये सन वाइजर नहीं सारी चीजें दी है, यहाँ पे भी था यार, ये हमारे लोग ना ये बढ़िया पिन्नी नहीं निकालते, चाहे चीजें मरने वाली हो पिन्नी निकालेंगे, नया कैसे दिखेगा। अच्छा पिन्नी देख के पता लग रहा है कि नया है या 100 साल पुराना है। ये देखो भाई ये 1 साल पुराना हो गया लगभग, और ये चल गया 35,452। और इसमें ये ना छोटा जरूर है, ये स्पीडो है, यहाँ ये स्पीड, अब ये देखो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है, यहाँ सर्विस रिमाइंडर वगैरह सब इसमें शो करता है, ये ट्रिप ए इंजन लाइट ट्रिप बी है ना, और जब ये अब तो अभी स्टार्ट नहीं है ना इसलिए आ रहा, और ये 0 किलोमीटर ये यहाँ से भी ये भी दिखाता है, और यहाँ आपका ये टोटल कितना चल रहा है ना, ठीक है ये सारा, और ये देखो ये हेडलाइट लेवलर है, हेडलाइट तो थ्रू है उसे एडजस्ट करने का, और ये इधर स्टॉक है लाइट का, ये लाइट का, ये वाइपर की, और ये वाइपर का, और हॉर्न बढ़िया दिया यहाँ ही देखो दोनों तरफ, बड़ा मस्त सा चीज है इसकी, और ये देखो इसका हैंडब्रेक, इसका हैंडब्रेक बड़ा प्यारा सा है ना, अभी कितने आराम से नीचे आएगा, ये गया नीचे और ऊपर करने में बड़ा मजा आता इसको, देखिए लग रहा है कोई बढ़िया घर घर, मतलब फील आए यहाँ, थोड़ा रगेड फील आए, गाड़ी ऐसी है लोड, अब ये देखो ये पीछे इसका ये सीएनजी में ये भी कंपलसरी है, ये फायर एक्सटिंग्विशर ये तो देना ही पड़ता है ना, ये पानी की बोतल रखिए, और बस और कुछ आप इसका इंजन आपको दिखाते हैं, अगर दिखा इंजन नहीं देखिएगा आप, गाड़ी स्टार्ट करके दिखाओ कैसी गड़गड़ाहट है, ये इस सीट के नीचे है यहाँ इसका इंजन, तो हम थोड़ा ईको ऐसा हाल है, ईको में सीट के नीचे होता है, यही सीट के नीचे है, तो भाई गाड़ी अब स्टार्ट करने वाले हैं, अब गियर देखते हैं गियर हिलता है इसका कि नहीं, ये 2 सिलेंडर इंजन है, गियर तो नहीं हिला भाई, नहीं हिल रहा, और कोई वाइब्रेशन नहीं है गियर पे, देख लो भाई महिंद्रा वाले गियर पे कोई वाइब्रेशन, सॉरी महिंद्रा स्टेयरिंग पे वाइब्रेशन है, आओ भाई रिवर्स गियर डालो, पर इसका क्लच बहुत हार्ड है बहुत, ही देखो एक्सीलेटर तो बड़ा प्यारा है, एक्सीलेटर का टॉय कार ऐसा है, देखो टॉय कार ऐसा, ये देखो अगर आपको दिख रहा हो, देखो हम टॉय कार ऐसा एक्सीलेटर है, देखो अब डालेंगे पहला गियर, पहले नहीं पहले रिवर डालना पड़ेगा, आगे खड्डा है बड़ा सा, आगे देखो विजिबिलिटी इसकी एक नंबर है एकदम, तभी सोचो ये छोटे हाथी वाले या ट्रक वाले एकदम सामने आके क्यों रोक देते हैं एकदम बस वाले, ऐसा लग रहा है इस पे कि हाँ अब हकीकत में बस या ट्रक में बैठे हुए हैं, भले ये मिनी ट्रक है पर पूरा दिख रहा है, ये इधर भी ये छोटा नहीं है, ग्लास इतना बड़ा है कि आराम से पूरा विजिबिलिटी सही आती है। अब हम देखते हैं एक इग्निस होना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल कार ड्राइवर जो सिटी में ड्राइव करता है, वो अगर ये छोटा हाथी चलाता है तो क्या लगता है, वैसे लाइसेंस है अगर आपके पास गाड़ी का लाइसेंस है तो आप ये भी चला सकते हो, ये वैलिड होता है आजकल दिल्ली में, चलिए रिवर्स कीजिए, रिवर्स गियर डाल दिया, रिवर्स गियर एंगेज तो है, एंगेज नहीं है गियर, अरे चाचा अब एंगेज है, थोड़ा संभाल के, स्टीयरिंग बहुत हार्ड है, पूरी मेहनत हो जाती है स्टीयरिंग, नाम के लिए पावर स्टीयरिंग है पर काम नहीं करता, मतलब की पूरी मेहनत आपकी इसी में हो जाएगी, ये देखो वहां पे देखो इंस्ट्रूमेंट कस्टमर, देखो आर लिखा रहा है, रिवर्स लगा दो, देखो हाँ ये अच्छी चीज है इसकी, आर लिखा रहा है अगर आपको दिख रहा हो तो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, अरे इन्हें रिवर्स हटा दिया, रिवर्स लगा दो बार, जो भी गियर आप इंगेज करोगे ना वो यहाँ से रिवर्स लगाओ, रिवर्स लगाओ, रिवर्स लगाओ, देखो आर लिखा गया, और ऐसे कोई भी इंगेज होगा फर्स्ट सेकंड, और ये पहला गियर लगा देता है कि आपको गियर अप करना है या डाउन करना है, जैसे नॉर्मल गाड़ी में होता है, मोड़ो 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 लगाओ दम, ये सुल्तान कर दे कटाई, कटाई होता चटाई होता, चलो जो भी ये, लेकिन चलाने में तो भाई क्या चलाने
मतलब जो बैठने का ये है बाकी आरामदायक तो सीट नहीं होती। वैसे सीएनजी आपको क्या लग रहा है, पेट्रोल कुछ लग रहा है? पावर देखो सीएनजी, ये देखो पूरा पीछे टच होता है, ये देखो गियर चेंज करने के लिए वो वार्निंग देता है, ये देखो और आराम से मेरे को डर लग रहा है। मतलब कि बॉडी रोल इसमें खतरनाक है, हम तो इग्निस को क्रिटिसाइज करते हैं बॉडी रोल के लिए, इसमें तो कुछ ज्यादा ही। सस्पेंशन बहुत स्टिफ है तो आपको ये भी एक चीज है बहुत ज्यादा, वो तो लोड के हिसाब से बनाया गया है। ये जेन्युइन एक ऐसी फनी कार रिव्यू है हमारे, हमारे पास था गया तो हमने ये देखो बंद कर दिया। कैसे कैसे ड्राइवर आ गए, क्या ड्राइवर बनोगे तुम, क्या गुंडा बनेगा रे तू, बताइए नमन आपको हमारा ड्राइवर कैसा लग रहा है? ठीक है, सही भी चला रहे नहीं भी चला रहे, अब मैं क्या कह सकता हूँ। एमसी स्टैंड नाम ले तो यार, ये देखो मतलब कि चलाने में वो गियर भी हार्ड है, इसका गियर डालने में भी इतना सॉफ्ट नहीं है, क्लच भी हार्ड है, बाकी ब्रेकिंग देखते हैं पहले गियर में थोड़ा सा करके। ओ ब्रेकिंग अच्छी है, बारिश हो रही है, ब्रेकिंग अच्छी है, नहीं डर लग रहा है मेरे को। और थोड़ा सा बिना एक्सीलेटर, चलो यहाँ पे कोई को पसंद के लिए ड्राइवर हैंडल दे रखा है, ड्राइवर के लिए कहाँ है, हटा दिया। नहीं देते किसी में भी, ज्यादातर गाड़ियों में नहीं देते, क्योंकि यहाँ अगर ड्राइवर ही आराम के लिए पकड़ना ले ऐसे इसको चलाते हुए, इसलिए ऐसे कार में भी जो यहाँ होता है वो देते कहाँ है ड्राइवर साइड वाला। अच्छा अब इसमें ये देखते हैं, पहले गियर में ये विदाउट एक्सीलेटर, मैंने एक्सीलेटर पर पैर नहीं रखा, और ये मैंने पहला गियर एंगेज कर दिया, गियर हो गया एंगेज नहीं हुआ, वहाँ पे एक दिखाने आया, हो गया हो गया। अब ये देखो एक्सीलेटर में पैर नहीं होगा, जरो क्लच हटाओ, क्लच पे पैर हटाओ, तो पहले गियर में तो ये देखो देखो चल रही है आराम से। हाँ अरे सीएनजी में ऐसे उठिया दिया आराम से, मतलब भाई ट्यूनिंग वगैरह इसमें बेहतरीन है कि नहीं, ट्यूनिंग बेहतरीन है तभी ये इस सेगमेंट में ना मिनी ट्रक में सबसे ज्यादा बिकता है, जबकि महिंद्रा और मारुति भी अपना कैरी बेचता है सुपर कैरी, उसके बावजूद। अब मैंने दूसरे गियर में, मैंने इसको कर दिया स्टॉप, अब मैंने दूसरा गियर एंगेज किया है, अब देखते हैं ये उठा पाता है या नहीं। बिना एक्सीलेटर का मैंने पैर हटा लिया एक्सीलेटर से, नहीं उठा रहा, नहीं उठा दूसरे गियर में। अरे पैर में उठा लो, इतना जुलम मत करो बेचारी पे, वो टनों में माल लोड कर लेगा, हमारा छोटा हाथी हमारा चलाना बहुत मुश्किल है, इसको चलो अब लगता है कि बहुत आसान है पर बहुत मुश्किल है चलाना। चलो थोड़ा और ड्राइविंग रिव्यू लेते रहते हम अपनी रानी के पास, चलते हैं इग्निस के पास, चलो हमारा गो। अच्छा वो कुछ अटक रहा था इस वजह से, नहीं तो उठा ले रहा दूसरे में। अरे रहने दो, क्या है ये बवाल चीज है, बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम हिल जाता है। अभी मैंने इसे कर दिया, अब देखते हैं एक्सीलेटर से पैर हटा के कर लेगा धीरे धीरे, अगर कोई ड्राइव, हमें तो एक्सपीरियंस भी नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन जो ड्राइव हम तो पहली बार चला रहे हैं भाई, वीडियो का नाम ही है इग्निस ओनर ड्राइवर ट्रक मिनी ट्रक। हाँ पिक कर लिया दूसरे गियर में, ये देखो बड़े आराम से, और क्रॉलिंग देखो कितना बढ़िया दूसरे गियर में, ये नॉकी स्पीड पे क्रॉलिंग कर रहा है, ये देखो दूसरे गियर। चलो ये डाउन शिफ्ट के लिए बोल रहा है क्योंकि हमने एक्सीलेटर नहीं दे रखा इसलिए, जबरदस्त। अरे कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ टेम्परेचर वगैरह सब दिखाता है इधर, ये टेम्परेचर गेज है या फ्यूल गेज है दिखा दो इधर, देख लो देख लो ये इधर ये फ्यूल गेज है और इधर ये टेम्परेचर गेज है, बाकी और सारी इन्फॉर्मेशन ये आती है, पर इसका एस्टिमेट क्लस्टर प्यारा लगता है बढ़िया, क्योंकि ये डिजिटल दे दिया है, इस सेगमेंट में कौन देता है डिजिटल। अरे आप सेगमेंट में छोड़ो, चलो अब चलो भैया, रिव्यू हो गया पूरा, पर भैया आवाज करता है बहुत ज्यादा, ये देखो चलते हैं भैया, अगर ट्रक आवाज नहीं करेगा तो तुम्हारी इग्निस करेगी क्या? इग्निस करेगी, चलाने में ऐसे फील तो होता है कि यहाँ कोई ऊंचे बैठे हुए, कार वाला निकलेगा बिल्कुल ऐसे नीचे दिखेगा, और फॉर्च्यूनर से भी ऊंचा शायद सिटिंग होगा। अरे अरे ऐसे कंपेयर मत करो तुम फॉर्च्यूनर, क्या देखना कितना ऊंचा है। अरे यार कैसे कैसे लोग हैं, कीमत कीमत कितनी है इसकी, 6-6.5 लाख रुपए में आता है ये सीएनजी, बहुत कम रनिंग कॉस्ट में चलता है ये, अभी 4-5 रुपए किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट में चलता है। अरे टाटा ऐसी ट्यूनिंग ले आए अगर अपने टियागो में सीएनजी में मजा आ रहा है। अरे ये लोड कैरी करने के लिए भाई मजाक कर रहा हूँ, सीधा सा रहा कि टाटा को गेट भाई कीचड़ देख लो यहाँ पे पूरे में कीचड़ कीचड़, ये दो सिलेंडर इंजन है ना, थोड़ा सा तो रहेगा ही, स्टीयरिंग पे तो वाइब्रेशन फील होता है, कोई नहीं बाकी ठीक है स्टीयरिंग ट्रक के हिसाब से, और क्या
वैसे जो रेगुलर चलाता होगा ना उसको थकावट का तो नहीं है, 100-200 किलोमीटर अभी है तो वैसे दिल्ली दिल्ली में चलाते हैं, लेकिन इससे आगरा वागरा भी अपन भेजते हैं माल वाल तो ऐसी दिक्कत नहीं है, चले जाते। थकावट तो क्या कह रहा, आरामदायक सीट तो इसमें होती नहीं, पर ये है कि ठीक है भी सेटिंग अच्छी है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, चला लेते ड्राइवर तो। शायद थकावट हो भी जाए इसमें, बस थोड़ा फैन देना शुरू कर दो, एसी मत दो, एसी की नहीं करे, बस फैन दे दो वैसे गाड़ी में, कम से कम फैन दे दें तो थोड़ा सा गर्मी होना। ड्राइवर ड्राइवर वगैरह को थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। वो तो देखो ये देखो ये देखो बचपन, इनमें बचपन आ गया है। अरे खिलौना नहीं, पलट उलट जाएगा तो हम फंसे रहेंगे। टाटा है सेफ्टी फर्स्ट। अरे तो बुलाएगा कौन हमें बचाने के लिए, पलटेंगे तो सेफ्टी का काम आएगी। पलट रहे भैया, जबरदस्त 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 नहीं जबरदस्त जबरदस्त भाई साहब, रिकॉर्ड रिकॉर्ड करो। डर लग गया मेरे को तो भाई साहब, इस बैल के बैल था ना सांड था क्या था जो भी था भाई, पता नहीं तिवारी ने लगवा रखा है। बड़ा अनाउंस लगता है ये रिवर्सल आम, छोड़ो जो भी भाई पर्सनल चॉइस उसकी। ऐसा आपने जो भी बैल देखा भाई उसके सींग कितने खतरनाक थे, कोई देख के डर जाए। ये देखो भाई देखो क्रिकेट हमें जाना है, पर हमें यहाँ से राइट जाना है। अरे अंकल जल्दी निकलो, वो देखिए हमारी डूबती रानी यहाँ पे नहीं दिखेगी। आ गए हैं अपनी मंजिल पे, हमारी गाड़ी के पास वो खड़ी हमारी ग्रे कलर की इग्निजेटा, वैसे जेटा है पर मेरे चाचा ने इसको जेटा नाम से फेमस कर दिया। जेटा 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 होना चाहिए, जेटा 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 कर देते हैं, जेठा लाल थोड़ी है वो, जेठा लाल। प्लीज सब सबर कर सर कबर सबर कराए सर सर कब